गुड इवनिंग, मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और आपको डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज में विशेष तौर पे मैं हमेशा आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और अपनी तैयारी को बेहतर करें। आपको इस चैनल पे 1 अगस्त से डेली करंट अफेयर सीरीज मिलेगा, आप सभी उसको देख सकते हैं और अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको अगस्त सितंबर का करंट अफेयर्स मिलेगा, आप सभी उसको देखें। इसके अलावे आपको स्टैटिक्स जीके सीरीज भी मिलेगा इस चैनल पे, आप सभी उसको भी देखें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोई भी परीक्षा हो उसमें करंट और स्टैटिक्स जीके का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए आप सभी उसको देखें और अपना तैयारी बेहतर करें। आपको मैं बार बार कहता हूं कि इस चैनल पे जो भी करेंट अफेयर्स मैं देता हूं, जो भी क्लास है उसमें आपको बेसिक जानकारियां देते हैं, तो आपको करेंट के साथ बेसिक जानकारियां मिलेगा, इसलिए आप सभी उसको भी देखें, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, इसलिए आप सभी इसको देखें। और देखने से आपका तैयारी बेहतर होगा, बहुत नए चीज़ को सीखेंगे, इसलिए नए चीज़ों को सीखने के लिए, नए क्वेश्चन को जानने के लिए जो है वो इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ साथ आप क्लास को शेयर भी करते रहें। और आइए इसी के साथ आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो 1 नंबर है कि विश्व मानक दिवस, हम डेली देखते हैं कि आपको 1-2 दिवस के बारे में बताते रहते हैं, तो हमेशा आप डेली देखते रहेंगे तो आपका क्लियर रहेगा कि कौन कब आता है, इसलिए आप सभी इसको देखते रहें। तो विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 14 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे विश्व मानक दिवस हर वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2021 का इसका विषय है सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक बेहतर भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण। तो आपका इस वर्ष का विषय है सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक बेहतर भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण, इस वर्ष का इसका विषय है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि माननीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय माननीकरण संगठन की स्थापना किया गया था, यानी कि एक इंटरनेशनल संस्था है जिसकी स्थापना 1947 ईस्वी में किया गया था। और उसी के बाद जो है आपका 1970 से हर वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाने की जो है वो घोषणा की गई। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि मानक दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा आज ही आपका विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है, ये आपका जो है 14 अक्टूबर को मनाया गया, लेकिन ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, इस बार 14 अक्टूबर को मनाया गया, क्योंकि अक्टूबर का दूसरा गुरुवार इस बार 14 अक्टूबर को ही पड़ा, इसके लेकर इस बार विश्व दृष्टि दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो धुंधली दृष्टि, अंधापन और दृष्टि से संबंधित समस्याओं के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए आपका विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हर वर्ष का इसका थीम होता है, 2021 का भी थीम है कि अपनी आंखों से प्यार करो, यानी कि अपनी आंखों से प्यार करना है इस बार का थीम है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, अपनी आंखों से प्यार करो थीम है 2021 का विश्व दृष्टि दिवस का। पहली बार यह दृष्टि यह दिवस लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा 2000 ईस्वी में मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, यानी कि पहली बार यह कब मनाया गया, तो 2000 ईस्वी में मनाया गया था, लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा ये मनाया गया था 2000 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, तो इस तरह से आप 2 दिवस था हमने देखा, कल देखे थे कि 12 अक्टूबर को जो है वो आपका गठिया दिवस मनाया जाता है, वो भी हम लोग देखे थे। अगला प्रश्न है कि एमी हंटर का संबंध, एमी हंटर खिलाड़ी हैं जो कि आयरलैंड के हैं, ध्यान रखिएगा, आयरलैंड के खिलाड़ी हैं, और ये आपका जो है एमी हंटर का संबंध जो है वो खिलाड़ी है क्रिकेट के, आयरलैंड के महिला खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा महिला खिलाड़ी, इनका जो है अभी चर्चा में इसलिए है कि वनडे क्रिकेट में शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी, 16 वर्ष की ये खिलाड़ी है एमी हंटर, ध्यान रखिएगा 16 वर्ष की खिलाड़ी है,
16 वर्ष की अवस्था में शतक बनाई है, जो कि वनडे क्रिकेट में ध्यान रखेगा। और ये मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ी है, ध्यान रखेगा। मिताली राज 1999 में जो है वो आपका 199 रन या जो है कुछ रन बनाई थी, तो उन्हीं का रिकॉर्ड 21 साल बाद जो है वो आपका एमी हंटर जो आयरलैंड के खिलाड़ी, उन्होंने 121 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाकर तोड़ी है। तो ध्यान रखेगा एमी हंटर का संबंध आयरलैंड के महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, जिसने वनडे क्रिकेट में जो है वो शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र के महिला खिलाड़ी बनी, जो कि मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ी है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्रिकेट से संबंधित प्रश्न था। अगला है कि भारत में महारत्न कंपनी का संख्या कितनी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये महारत्न कंपनी। तो पहले जो है भारत में 10 महारत्न कंपनी थे, लेकिन 11वां महारत्न कंपनी की घोषणा की गई, तो इस तरह से भारत में अभी 11 महारत्न कंपनी हो गई। ध्यान रखिएगा भारत में अभी 11 महारत्न कंपनी है, जिसमें है आपका भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, BPCL है, CIL है, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल है, HPCL है, IOCL है, NTPC है, ONGC है, PGCIL है, SAIL है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और PFC है। तो ये 10 जो है भेल से लेकर सेल तक, ये आपका पहले से था। PFC को जो है वो 12 अक्टूबर को महारत्न कंपनी की दर्जा दिया गया, तो 11वां महारत्न कंपनी PFC बनी, जो कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ध्यान रखिएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 11वीं महारत्न कंपनी की दर्जा दिया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। PFC की स्थापना जो है वो 1986 ईस्वी में हुआ था, इसे महारत्न कंपनी की दर्जा दिया गया, और ये सबसे बड़ी बात थी कि सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है PFC, जिसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से भारत में अभी महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है, तो 11 है, और 11वां महारत्न कंपनी कौन है, तो PFC है, फाइनेंस पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ध्यान रखिएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो 11वां महारत्न कंपनी है, इसे 11वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल की पदक तालिका में प्रथम स्थान पे कौन है, तो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर भारत है, जिसने 11 पदक जीता है, ध्यान रखिएगा 41 पदक जीतकर जो है वो प्रथम स्थान पर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल में जो है वो भारत रहा है। इसका आयोजन लीमा में हुआ है, ध्यान रखिएगा लीमा में, जो कि पेरू की राजधानी है, लीमा में इसका आयोजन हुआ था, लीमा पेरू की राजधानी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मनु भाकर टोटल 5 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, 4 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतकर 5 पदक जीतने वाले पहले भारतीय मनु भाकर बने हैं। तो इस तरह से ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु है मनु भाकर, ध्यान रखेंगे। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी चर्चा होते रहता है कि आकाश एयरलाइंस, पहले भी हम बताए थे आपको दो दिन पहले आपका जो एक नाम की राकेश झुनझुन्ना वाला का संबंध किससे है, तो वो हम बताए थे कि वो निवेशक है, और वो निवेशक जो है वो आकाश एयरलाइन को जो है उन्होंने ही निवेश किया है आकाश एयरलाइन में। तो आकाश एयरलाइन को अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC, ध्यान रखिएगा अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया। किसने जारी किया, तो राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय के द्वारा आपका ये NOC प्रमाण पत्र दिया गया, किसको, आकाश एयरलाइन किसका है, तो राकेश झुनझुना वाला का, ध्यान रखिएगा राकेश झुनझुना वाला का जो है वो संबंध आपका आकाश एयरलाइन से, और इसे NOC का प्रमाण पत्र राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय के द्वारा दिया गया। और राष्ट्रीय उड्डयन मंत्री, केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योति आदित्य राव सिंधिया है, ध्यान रखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश से सांसद है। तो इस तरह से आकाश एयरलाइन किसका है, तो राकेश झुनझुना वाला का है, और इसे NOC प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अब ये जो है वो आपका इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम सस्ता एयरलाइंस प्रदान करें, इसी के लेकर जो है ये आया है आकाश एयरलाइन, ध्यान रखिएगा। और इस किसका है, तो राकेश झुनझुना वाला का भी। देखे कि एयर इंडिया को जो है वो टाटा के द्वारा खरीद लिया गया है, ये भी अभी काफी चर्चा में, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग।
अगला प्रश्न है कि अमित खरे का संबंध किससे है। अमित खरे जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त है। मोदी के सलाहकार, ध्यान रखिएगा, सलाहकार नियुक्त किया गया किसे, प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया अमित खरे को। ध्यान रखिएगा, अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया अगले 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है कि 22वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किससे दिया गया, तो रंजीत गुलेरिया को। ध्यान रखिएगा, रंजीत गुलेरिया ये है आपका एम्स के डायरेक्टर हैं। रणदीप गुलेरिया को जो है वो आपका एम्स के डायरेक्टर है, इन्हीं को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर है और इन्होंने कोविड काल में जो है अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार इन्हें दिया गया। ध्यान रखिएगा, अभी पिछले ही कुछ वीडियो में हम देखे थे कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है वो साइरस पूनेवाला को दिया गया था और लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार रणदीप गुलेरिया को दिया गया जो एम्स के डायरेक्टर है। इसके तहत जो है 5 लाख रकम दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है कि सीएस दा हैसी अभियान का शुरुआत किसने किया, तो इसकी शुरुआत मणिपुर के द्वारा किया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, तो एन बीरेन सिंह के द्वारा सीएस दा हैसी अभियान शुरू किया गया। सीएस दा हैसी है कि सीएम से बात करना, यानी कि सीएम से बात करना, सीएम और आम लोगों के बीच जो है वो संवाद को सीएस दा हैसी अभियान कहा गया है। इसके तहत जो है वो वहां के मुख्यमंत्री से आम जनता रूबरू हो सकता है, तो इसका संबंध सीएस दा हैसी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि करपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरीची लकड़ी का नक्काशी का संबंध किससे है, तो ये तमिलनाडु का है और आप समझ गए होंगे कि हम क्या लिख रहे हैं, तमिलनाडु से है, ध्यान रखिएगा। और ये इसको जो है वो जीआई टैग दिया गया, ध्यान रखेंगे, जीआई टैग दिया गया करपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरीची लकड़ी की नक्काशी को, इसका संबंध तमिलनाडु से, इसका जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग की शुरुआत 1999 में हुई थी, पहली बार जीआई टैग जो है किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग चाय को 2003 में दिया गया था। अभी हम लोग देख रहे हैं डेली लगभग जो है वो आपका जीआई टैग आ जाता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पीछे वाला भी वीडियो देखते रहें कि अभी जीआई टैग अभी हम बहुत सारे लिखवा चुके हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीआई टैग हमेशा पूछते रहता है परीक्षा में, इसलिए आगामी जो भी भारतीय परीक्षाएं हैं उसके तैयारी के लिए आप पीछे जो भी वीडियो गया है वो सभी को देखते रहें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। और इस तरह से आज हम आपको जो है 10 प्रश्न आए, लेकिन इसके अलावा आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। इसी तरह से जो है आप देखते रहें और पीछे जो भी वीडियो गया है उसको रिवाइज करते रहें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें, ताकि आगामी जो भी भर्ती परीक्षा हो उसमें आपका प्रदर्शन काफी बेहतर हो। और इसी के साथ आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप सभी पढ़ें, त्योहार के साथ साथ जो है वो पढ़ाई भी करते रहें, दोनों में जो है एंजॉय ले, पढ़ाई को भी एंजॉय के साथ और घूमें भी त्योहार में एंजॉय के साथ। तो इसी के साथ जो है आज यहीं तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप सभी प्लीज इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।